नौजवान ने क्वेश्चन किया था कि अगर किसी उसने इम्तिहान देते हुए नकल करके वो इम्तिहान पास किए और उससे उसको फिर डिग्री हासिल हुई और उस पर उसने जॉब की है, तो अब 3 साल तक जॉब करता रहा। अब अगरचे जॉब भी छोड़ दी है तो बहुत शर्मिंदा हो रहा है कि ये मैंने क्या किया, तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, यकीनन नकल करके पास हुआ तो वो इस बात का अहल नहीं था कि उस सनद को हासिल करे, और जब वो सनद ही नहीं थी तो रिक्वायरमेंट यही थी कि ये सनद जिसके पास होगी, जिसने पास किया होगा, उसके लिए जॉब होगी। तो गोया कि आपने पूरा मुतालबा नहीं किया। तो हुक्म अगरचे ये होता है कि बाद औक़ात एक तो डिग्री मांगते हैं, ये एक मायार होता है, लेकिन असल काम होता है कि भाई किसी मखसूस नौयत का काम। अब अगर आपने जाली डिग्री पर वो काम पूरा किया है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो ये झूठ, धोखा, फ्रॉड तो है, लेकिन आपने चूँकि काम बिल्कुल ठीक किया था, जो उसकी उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो तनख्वाह उस काम के बदले में है, डिग्री के बदले में नहीं, तो ये आपके लिए शरन जायज़ हो जाएगा। लेकिन इसमें अफजल और आला सूरत यह है, जो मैंने पहले तमहीद बांधने की कोशिश की, कि चूँकि डिमांड ये थी कि पहले ये मयार पूरा हो, फिर इसके बाद काम भी वो कर सके, ये दूसरा मयार है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जितना आपने 3 साल में या जो भी वहाँ पर जॉब की है, सैलरी आपको मिली है, आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर सवाब की नीयत के वो सदका भी साथ साथ करते जाएं और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें, यहाँ तक कि आप पूरे 3 साल की सैलरी को सदका कर दें, इतनी रकम, तो इंशाअल्लाह आखिरत में बिल्कुल ही बरी ज़िम्मा होंगे और अल्लाह की बारगाह में तौबा ज़रूर करें। एक ही कहते हैं कि कोई नमाज़ पढ़ता है और उस औरत, ये कोई भी औरत या मर्द है, उसे रुकू में, क़िराअत में बार बार शुबा पैदा होता है कि शायद कुछ गलती हुई है और गालिब गुमान भी नहीं हो पाता, तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखें, गालिब गुमान जब भी नहीं हो पाता तो उसका हुक्म यही होता है कि उस चीज़ को जिसमें शक पड़ रहा है आप पीछे से लेकर आएँ। मिसाल के तौर पे शुबा पड़ रहा है कि भाई अलहम्द पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, सूरत शुरू कर दी, अलहम्द पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, और किसी एक जानिब दिल नहीं जा रहा, तो अलहम्द पढ़ें, फिर दोबारा सूरत पढ़ें और आखिर में सजदा साहब करें। इसी तरह रकात के बारे में शुबा है कि दूसरी है, तीसरी है, और किसी एक जानिब दिल माइल नहीं हो रहा, तो कम वाली शुमार करें इसको, मसलन दूसरी माने, मुकम्मल करें, आखिर में सजदा साहब कर लें। तो जो बार बार शुबे का शिकार होता है और किसी एक जानिब उसका दिल माइल नहीं होता, वो इस तरीके से, यानी कम वाले को, और जिसके बारे में शुबा है कि पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसे ना पढ़ा हुआ शुमार करके फिर नमाज कंप्लीट करें, आखिर में सजदा साहब करें। एक ये कहती हैं कि अगर कोई नापाकी की हालत में खातून है तो क्या वो लिखी हुई नमाज को पढ़ सकती हैं, जैसे नमाज याद कर रही हों, और इसी तरह जो कायदे होते हैं बच्चों के, ये इन कायदों को वो पकड़ सकती हैं और पढ़ सकती हैं कि नहीं। देखें, कायदा जहाँ पर भी उसमें पूरी पूरी आयात ना लिखी हों, लफ्ज़ तोड़ तोड़ के रखे हों, तो वो कुरान नहीं कहलाता, उसे तो साइड से पकड़ भी सकती हैं और ज़बान से भी पढ़ सकती हैं। लेकिन जो लिखी हुई नमाज है, इसमें अगर अलहम्द लिखी हुई है और सूरत भी लिखी हुई है, तो उसको खाली ना पढ़ें। बाकी सना है, आमीन और समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, तकबीरात वगैरह हैं, रुकू सुजूद की तस्बीहात, ऐसे अत्तहियात है, दुरूद-ए-शरीफ है, दुआ है, और फिर दुआए कुनूत है, इन सब को वो इस हालत में पढ़ भी सकती हैं, छू भी सकती हैं। सिर्फ कुरान को नहीं पढ़ सकती हैं कुरान की नीयत से, और ना उसको छू सकती हैं।